हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ अपना। काफ़ी महीने हो चुके हैं, मतलब याद भी नहीं मैंने लास्ट कब बनाई थी। और मैं शॉर्ट्स तो डाल रही थी पर ब्लॉग नहीं डाल रही थी मैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी थी घर में थोड़ी सी। नाना की भी डेथ हो गई है और काका की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब थोड़ी नहीं थोड़ी हो ही गई थी उसकी। अब तो काफ़ी ठीक है, काका को पीलिया हो गया था, ऐसा अब सही है पर थोड़ी सी वीकनेस है इसको। काका क्या हुआ? हाँ ये बाहर कह रहा बाहर के खाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, क्योंकि इसको हम बिल्कुल नहीं दे रहे बाहर का खाना, इतना सा भी नहीं दे रहे हम, बस इसको दलिया खिचड़ी। हाँ सही बात, ये उसी बाहर के खाने की वजह से ऐसी बीमार हुआ ये। मम्मी कुछ कहना चाहोगे महीनों बाद आने के लिए? अरे इस बीच तो हमारे संग क्या क्या हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगी। भाई उठ जा गुन्नू, काम हम कर। हाँ आज इसने छुट्टी कर रखी है, क्योंकि पता नहीं मेरे को तो बस गुस्सा आ रहा है आज इस पे बहुत ज्यादा। देखो कैसे मुझे उठा रही है, मेरे को 5 बजे उठा के बोल रही मैं आज जा नहीं रही हूँ, मैं अब नहीं जाऊंगी, मेरे को सोते हुए उठा दिया बंदी ने। मैं 1 बजे सो गई थी। अब काम हम कर ले, मम्मी आप कुछ नहीं करोगे? मेरे बाल छोटे करवा लिए, मेरे बाल कटवा लिए। पता नहीं कैसे लग रहे होंगे मुझे नहीं पता, पीछे साइड बिल्कुल एकदम चमका दी हूँ सही से। पहले बाल बैठ के नहाओ, हाँ नहाओ और हाँ सफाई तो कर ले, झाड़ू पोछा जब मैं करूंगी तो मैं उसको बोल दो मुझे सफाई कर, इसका पहले कि मैंने कर दी थी चद्दर उधर झाड़ी के साथ। मम्मी कह रही है मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, सफाई और बर्तन आप करो। यार कुकर ही मैंने उड़े मैं मांजती हूँ बर्तन, तो फ्रिज साफ कर दो। हाँ? मैं फ्रिज कलवल कर दूंगी फुर्सत में, आज बातों में वो निकल गया ना टाइम, चली जाएगी ना तो मेरा काम तो जल्दी हो जाता है आपको तो पता ही है। ये पहले फ्रिज को साफ कर बाहर से, ये देख ये देख, पोछ पोछ इसको पोछ, वाला कपड़ा लेके अंदर अंदर का बाहर से साफ कर, सारा काम फैला पड़ा है। मैं कल कर दूंगी। तो मम्मी अब कपड़े तय कर रही है और इनमें से कुछ कपड़े गीले भी है, क्योंकि क्योंकि बारिश का मौसम है तो कपड़े सही से सूख नहीं पा रहे। मुझे लगा ये आपने रखा, शायद ये सही है वैसे साफ है, क्योंकि इसमें से मैंने कुर्सी पे से कपड़े उठा रहे हैं ना। सफाई हो चुकी है हमारी और ये पर्दे हमने कल ही ऑनलाइन मंगवाए हैं अमेज़न से। गुनू तो कब जाएगी नहाने? क्या फोन को खाली करके ला मैं रिसेट मार दूं? तू ये कह रही है फोन को खाली करके? ओ निकलो तुम नहा ले, कब नहाओगे? मैं नहा रही हूँ पहले जाके, फिर मैंने कर दी किचन साफ। ये देखो आज मैंने कितने ढेर सारे बर्तन मांजे, वैसे तो मैं रोज झाड़ू पोछा करती हूँ। मम्मी तो नहा ली, ये कपड़े बस मेरे ही है ना, मेरे नहीं है, मैंने इस बार अपने धोए नहीं कपड़े। हाँ ऐसे मेरे सारे कपड़े धुले हुए ही हैं। चलो फिर मैं नहाने जा रही हूँ।
आप तो नहा लिए। चश्मा अच्छा तो लगता है आपका, खामा का बुराई कर रहे थे। फिर ये कपड़े, बस वही पजामा यही वाला पहन लेती हूँ। बाहर जाना है मुझे, बाहर नहीं जाऊंगी मैं। अरे हाँ बेटा, छोले छोले और ये नहीं खाने, तू नहीं खाएगा काका। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ के, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहती थी थोड़ी देर पहले। मैं आपको बोल रही थी तो मैं ये बता रही थी ना, हमने ना ये कुछ दिन पहले घर खाली कर दिया था हम, किसी और मतलब कोई और घर ले गया था, हमने शिफ्ट कर दिया था यहाँ से। अब क्योंकि ये तो मैं आपको नहीं बता रही रीज़न, लेकिन हमने, हम रहते हैं भजनपुरा में रहते हैं, तो हमने ले लिया था मौजपुर में। तो वहाँ पे गए, घर बड़ा प्यारा था। आप पहले घर देख लो, उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताऊँ। पूरा फैल रखा है, पूरा फैल रखा है। बताई थी कि ना हमने यहाँ से जब शिफ्ट किया तो घर तो बहुत प्यारा था, वो देखो आपको भी अच्छा ही लगा होगा, बड़ा था काफ़ी, इससे काफ़ी बड़ा था क्योंकि आराम से हमारा सामान आ गया था। और जगह किचन भी बहुत अच्छी थी उसकी, पर ना क्या होता है ना कि जिस घर में मन नहीं लगता ना वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब काका की तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर, काका ऐसा बीमार हो गया, बेशक काका यहाँ पर बीमार था ऐसा नहीं है, पर इतना नहीं था वो बार बार विजिट कर रहे हैं, नहीं मम्मी यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। मम्मी रोए जा रही थी उसको देख देख के, फिर मम्मी रोती रहती थी बस। फिर ना हम लोगों ने फिर सोचा, भैया तो गुस्सा हो गए थे, हम लोगों ने इनसे बात करी दोबारा से, इन्हें लैंडलॉर्ड से, तो इन्होंने तो तुरंत ही बोल दिया आ जाओ। मैं तुम्हें खाली करने के लिए बोला था, तुम तो काम कर चले गए थे। हमने 9 तारीख को हमने यहाँ से खाली किया था, इस घर से उस घर में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद हमने वहाँ से 26-27 तारीख को यहाँ पे आ गए। अब लगा लो कितने दिन हो गए, आज क्या डेट है यार, आज शायद 12 हो 11 12। कौन सी सब्जी बताओ, इसको सिर्फ दाल चावल दो भाई। ओए दाल चावल खाइयो बस, चावल भी बोल नहीं दे रहे। इसमें लिखा हुआ है 90 दिन तक, 90 दिन तो चावल देने, मतलब 90 दिन तक वो, मतलब वो करना है खाद्य पदार्थ देने, पता नहीं क्या खाद्य पदार्थ उसको दे, लिक्विड वाले लिक्विड चीजें देनी है नहीं क्या। आज दिन में रोया है ये चावल खाने के लिए, वैसे चावल इसलिए खिचड़ी के लिए हो। हाँ आज तक खिचड़ी खाए तो ना, देखा नहीं कैसे रो रहा था। ओ सुनाई आ रही तेरे को, क्या है पता है, लोग
लोग समझते हैं फिर हमने इसकी हालत खराब करी है। के चटपटी जीव हो रही है बस। और सुबह तो सिर्फ फ्रूट्स खाया नहीं नाश्ते में, और क्या बस है, और दिन में खिचड़ी विचड़ी, रात को सूप बस। चावल दे दो ना इसको, चावल तो मना नहीं है ना। हाँ वो तो मैं बना लूंगी, इसमें क्या वो तो मैं बना दूंगी उन्हें क्या। हाँ क्या वैसे पक्का दे सकते हैं क्या? मैं अपनी तरफ से बोल तो रही हूँ बड़े मजे से। नहीं अभी तो दे सकेंगे, ताजे तो डैडी कह रहे दे दो, बादी की चीज मत देना। कल ही मम्मी, कल ही मांगता रह जाए, रोता रहे, भूखा रहे, इसको मत देना। मैं खुद नहीं खाऊंगी कल, मेरे खुद पेट में दर्द हो जाता है। मैं कौन सा खाती हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। हाँ वो है ना, वो मेरे को खाने का देता है, मेरे को खाना चावल वो सारी राजमा नहीं खाने देता यार वो मेरे को खाना वाला। राजमा मत देना ज्यादा, सिर्फ तरी तरी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो जाता है ना। फिर ये क्या कर रहे हो? अच्छा अभी सूप मांग रहा है, अच्छा पनीर मांग रहा है। मम्मी आपसे होता ही क्या है, है? जरा इधर दिखा ना, जरा शक्ल दिखाओ अपनी। हनुमान जी की बर्तन दिन क्या है, आज खिचड़ी विचड़ी बना देते हैं। मैं बनाऊंगी खाना, तो मैं बनाऊंगी राजमा, मम्मी ने उबाल दिए थे पहले, सही बने हैं, खास नहीं बने हैं ना, अच्छे नहीं बने। हाँ कुकर की क्या गलती, तेल मम्मी ने बोला इतना सा डालो, इसके वजह से काका के वजह से पता है प्याज ऐसे हो गए थे। स्वाद तो बने वो आपने खा लिए? किसने बनाए थे? आपसे तो स्वाद है, ऐसा नहीं है आपसे स्वाद नहीं है। मेरे कितने पसीने आ रहे हैं आज, इतनी गर्मी क्यों है? लो तुम भी देख लो। वही तो सूजन भी तो हो रही है ना, वो मौसा की वैसे हुई थी, कह रही मैंने गरी से सिखाई करी ना, बिल्कुल सही। हाँ सच में, हाँ बिल्कुल सही हो गया। तो सिखाई करो फिर उसकी, सिखाई नहीं वो पैर डाल के बैठना पड़ेगा। हाँ वही पैर वाली। देखा ना इसके पैर,